विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है ये बात तो शायद सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ये आपके दिल के लिए भी खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद भी दिल की बीमारियों का खतरा बना रह सकता है। ये कितना खतरनाक है और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर के सेठी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया साइंस चैनल पर। आपने अभी जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में जैसे, और ये बड़ी अहम सवाल आपने उठाए कि हार्ट का मैटर जो है उसका के साथ क्या रिश्ता है। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें सबको याद रखनी होती हैं। सबसे पहली तो ये कि जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है, पहले ही थी, क्योंकि कोरोना में हम जानते हैं कि जो लोग 50 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं या जिनको को मॉर्बिडिटीज कहा जाता है कि शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी कमजोर है, सिगरेट पीते हैं, उनके लिए खतरा ज्यादा होता है। तो एक तो खतरा होता है लंग को इन्वॉल्व होने से, जो कि स्टैंडर्ड कोरोना की डिजीज मानी जाती है, निमोनिया हो जाता है। दूसरा खतरा ये होता है कि कोरोना के अंदर जिन लोगों को पहले डायबिटीज है या बाकी के रिस्क फैक्टर्स जो मैंने जिक्र किए अभी आपको, उनको हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होने का रिस्क बढ़ जाता है इन एडिशन टू लंग एंड अदर ऑर्गन्स। So, ये चीज खास तौर पे ध्यान रखनी होती है। दूसरा, जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज पहले से ही, जैसे हार्ट अटैक हो चुका है या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या वेल डिजीज है या स्टेंट्स लग चुके हैं या बाईपास हो चुका है, उनको भी खास तौर पे ध्यान रखना होता है कि जब कोरोना हो गया तो हार्ट को बिगड़ने का बहुत ज्यादा चांस है। इसके अलावा हार्ट की इन्वॉल्वमेंट और कई किस्म से कोरोना में हो सकती है, जैसे कि हार्ट की बसल की सूजन आ गई, जिसको कि हम मायोकार्डाइटिस के नाम से जानते हैं, वो माइल्ड भी हो सकती है या ज्यादा खतरनाक सिवियर भी हो सकती है, जिससे कि हार्ट की ताकत घट जाती है, हार्ट फेलियर में चले जाते हैं, सांस फूल जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है और सब दिक्कतें हो जाती हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तीसरा ये है कि हार्ट की झिल्ली में पानी भर जाए, पेरिकार्डियम जो हार्ट की प्रोटेक्टिव झिल्ली होती है बाहर, और अक्सर ये देखा गया है कि हार्ट की झिल्ली में और फेफड़ों की झिल्ली में पानी इकट्ठा भर जाता है, तो वो एक चौथे किस्म की इन्वॉल्वमेंट है। पांचवें किस्म की इन्वॉल्वमेंट ये होती है कि कॉमनली जो चीज़ हमने देखी कि बंदे की या पेशेंट कहना चाहिए, नब्स जो पल्स होती है उसकी गति घट जाती है, हार्ट की बीटिंग धीमी हो जाती है। जैसे नॉर्मल आदमी की एक मिनट में 60 से 80 टाइम हार्ट बीट या पल्स रेट होनी चाहिए, तो ज्यादातर लोगों को जिनको कोरोना होता है उनकी पल्स रेट बढ़ जाती है, 100 हो जाती है, 120-130 जैसे भी होती है, लेकिन हार्ट की कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है जिससे कि पल्स की गति 60 से लेकर के नीचे 50-40-30 बहुत ज्यादा धीमी भी हो जाती है, और इतनी धीमी हो जाती है कि आदमी को चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, और वो भी एक सीरियस इमरजेंसी। और फिर सडन कार्डियक डेथ हो सकती है, अचानक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कोरोना की वजह से सूजन आ रखी है हार्ट के अंदर, या और भी कई किस्म की तकलीफें होती हैं जिसकी वजह से कि हार्ट की रिदम बिगड़ जाती है और हार्ट काम करना बंद हो जाता है। सो ये एक और किस्म की इन्वॉल्वमेंट होती है। सो कोरोना के अंदर कई किस्म से हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और जितनी सिवियर इन्वॉल्वमेंट हो उतना ही उसका नतीजा खराब होता है, रिजल्ट भी ट्रीटमेंट का उसके हिसाब से ही प्लान करना होता है, जैसे कि हमें सामने इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट आए और बाकी के ऑर्गन्स कितने इन्वॉल्व हुए।
फिर तीसरे किस्म की हार्ट की इन्वॉल्वमेंट ये है कि जिन लोगों को पुरानी हार्ट डिजीज थी, कोरोना हो गया, ठीक हो गए, घर आ गए, उनको चाहे हार्ट के सिम्टम्स हैं या नहीं हैं, उनको अपने हार्ट का चेकअप जरूर कराना चाहिए वंस उनका आइसोलेशन का पीरियड खत्म हो जाए। जैसे रिकवर हो गए उसके बाद 15 दिन का 20 दिन का आइसोलेशन पीरियड खत्म हो गया, तो हार्ट के डॉक्टर को, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके चेकअप करा लेना चाहिए कि भाई हार्ट की कंडीशन पहले से बिगड़ तो नहीं गई पिछले कोरोना के, रिसेंट कोरोना के होने की वजह से। तो सब क्या कोरोना की वजह से भी लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है या दिल के मरीज हो जाते हैं? ऐसे कोरोना, जो मैंने ये पिछली सारी तकलीफें बताई हैं वो सारी कोरोना की वजह से ही हार्ट प्रॉब्लम होती हैं। कुछ तो होते हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज थी और उनकी हालत बिगड़ गई, कुछ होते हैं जिनको हार्ट अटैक हो गया जो कि कोरोना की वजह से भी हो सकता है या बिना कोरोना से भी हो सकता है। होना इस टाइम पे है जब कोरोना फैला हुआ है, तो आपको फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। या मैंने जैसे बताया हार्ट की पसल सूज गई या रिदम बिगड़ गया या पल्स धीमी हो गई या कार्डियक अरेस्ट हो गया, ये सब कोरोना की वजह से ही होते हैं, इनका प्री एग्जिस्टिंग या कोरोनरी ब्लॉकेजेस की वजह से कुछ लेना देना नहीं। तो डॉक्टर साहब, ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी को कोरोना हुआ, वो ठीक हो गया और उसके बाद वो हार्ट का मरीज हो गया, फिर उसको लाइफ लॉन्ग हार्ट की जो दवाई है या प्रिकॉशंस है वो लेने पड़ेंगे? जी, जो मैं अभी जिक्र करने वाला था उसी चीज के बारे में ही बात कर रहा था, वही चीज बता रहा था कि जिनको पुरानी हार्ट डिजीज थी, पुराना हार्ट अटैक हो चुका या बाईपास हो चुका या स्टेंट लग चुका, कोरोना हो गया, कोरोना से ठीक हो गए, ठीक होके घर आ गए, अब थोड़ा सांस चढ़ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा कि हार्ट लंग की वजह से भी चढ़ता रहता है, तो ऐसे लोगों को जिनको कोरोना होके ठीक हो गए लेकिन प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज थी, 15-20 दिन का घर पे आइसोलेशन पीरियड खत्म होने के बाद अपना हार्ट का चेकअप करवाना जरूरी होता है कि कोरोना होने की वजह से हार्ट की हालत पहले से बिगड़ तो नहीं गई, ये कंपल्सरी होता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको पहले कोई हार्ट डिजीज नहीं थी, कोरोना हो गया, ठीक होके घर आ गए, उसके बाद जब रिकवरी होके चलना फिरना शुरू करते हैं तो हार्ट डिजीज के सिम्टम्स तब नजर आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि 20 दिन के बाद, महीने के बाद, डेढ़ महीने के बाद भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं। इसके अंदर की मसल कमजोर होने का मुद्दा या हार्ट की ब्लॉकेजेस पहले माइल्ड थी, अब ज्यादा सिवियर हो गई क्योंकि हार्ट में सूजन पहुंच गई, तो हार्ट की नैरोइंग बड़ी तेजी से होनी शुरू हो जाती है अगर हार्ट की नसों के अंदर सूजन हो जाती है तो। सो लेट आफ्टर कोरोना हार्ट के सिम्टम्स आ जाते हैं। या फिर कॉमनली जो चीज हमने देखी है वो ये है कि पेशेंट्स अक्सर आकर के कंप्लेन करते हैं कि हमारी छाती में दर्द होना शुरू हो गया और ये ऊपर दर्द हो गया, नीचे हो गया, जगह जगह पे हो गया, ये सबसे कॉमन चीज है। इवन यंग पीपल आर फीलिंग दिस, जिसको कि सिकुले कहा जाता है, कोरोना की वजह से हार्ट के अंदर सिम्टोमेटिक है। अब ये कोई चेस्ट पेन जरूरी नहीं है कि हार्ट की वजह से हो, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर हमने यही देखा है, ये जो नॉन स्पेसिफिक सी चेस्ट पेन होती हैं, जो थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन के लिए हुई, जिसका एग्जर्शन से कोई रिश्ता नहीं है, जो आज यहाँ हुई थोड़ी देर के बाद दूसरे साइड पे हो गई या बाई तरफ नीचे हो गई या साइड पे हो गई और कुछ सेकेंड के बाद अपने आप ठीक हो गई बिना किसी उसके, या कई दफा देर तक भी चलती रहती है, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा या पूरा पूरा दिन, ये सब सिम्टम्स जो हैं जरूरी नहीं कि हार्ट की वजह से हो। बहुत सारी टाइम्स में चेस्ट की मसल की पेन होती है, कोरोना की वजह से एग्रेवेट हो जाती हैं, सो पेशेंट्स इस चीज को लेना शुरू कर देते हैं कि उनको हार्ट डिजीज हो। चेकअप कराना जरूरी होता है लेकिन वो हर चीज जरूरी नहीं कि हार्ट की वजह से हो। ये सिम्टम सबसे कॉमन चीज जो हमने देखी है आफ्टर कोरोना और हार्ट के साथ जिनका की ताल्लुक रखती है, लोग डर जाते हैं, वो यही है कि इधर उधर दर्द होनी शुरू हो जाती है और लोग चेकअप के लिए आ जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि चेकअप हो गया, आपकी तसल्ली हो गई कि हार्ट ठीक है, हमारा हार्ट की वजह से नहीं। तो हर दर्द छाती की या हर सांस का फूलना हार्ट डिजीज की वजह से नहीं होता, लेकिन एहतियात रखनी बड़ी जरूरी होती है। और लास्टली जो चीज होती है, जी आप पूछें पहले फिर मैं बाद में बोलूं। कि मान लीजिए किसको कोरोना हुआ और उस कोरोना के बाद उसने हार्ट का चेकअप कराया, हार्ट उसमें निकल के आया कि ठीक है, क्या उस स्थिति में आगे कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिससे कि हार्ट की प्रॉब्लम डेवलप हो जाए, और क्या ऐसा कुछ उपाय हम लोगों को करना चाहिए खासकर कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों को कि हार्ट की प्रॉब्लम ना हो? ये पेशेंट की एज पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट यंग है, 40 साल से कम है, पुरानी कोई हिस्ट्री नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है,
और खुद को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सिगरेट का पीना या कोलेस्ट्रॉल का खराब होना या वेट का ज्यादा होना या एक्सरसाइज ना करना, ये सब चीजें हैं, तब तो हार्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया। और अगर वो क्लियर आती हैं और कोरोना होके 1.5-2 महीना समझ लीजिए हो चुका है, तो जनरली फिर वो सेफ्टी जोन में आ जाते हैं, उसके बाद फिर हार्ट अटैक का चांस नहीं होता। लेकिन अगर सिम्टम्स नहीं है और रिस्क फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे को एक जिंदगी में मौका मिल गया कि हम अपने रिस्क को कम करें, अपना ध्यान देना शुरू कर दें, जो कि पहले हमने नहीं दिया हुआ, अपने आप को बचाएं। और अगर पहले सिगरेट पीते थे तो अब तुरंत छोड़ दें। किसी भी किस्म के तंबाकू का इस्तेमाल तो जहर के बराबर है कोरोना होने के बाद, पहले भी था, अब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसको छोड़ा जाए। ब्लड प्रेशर चेक हो गया तो लोगों का बीपी लो भी हो जाता है, हाई भी हो जाता है कोरोना के बाद, दोनों तरफ चला जाता है। उसके हिसाब से आपका इलाज होना बड़ा जरूरी है। अगर डायबिटीज बिगड़ गई, कई दफा कोरोना के बाद फर्स्ट टाइम डायबिटीज नजर आती है, कुछ तो स्टीरॉयड वगैरह या बाकी दवाइयां खाने से हो जाती है, जो कि टेम्परेरी होती है और बाद में खत्म हो जाती है, लेकिन उसको मॉनिटर करना बड़ा जरूरी होता है। कुछ लोगों की डायबिटीज पहली बार नजर ही आती है कोरोना होने के बाद, प्रेसिपिटेट हो जाती है बीमारी ही पहली बार नजर आती है, तो वो फिर हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाएंगे। सिमिलरली जो लोग 60 साल की उम्र के ऊपर हैं या 50 साल की उम्र से ऊपर, हमारे देश में तो ये भी जल्दी हो जाती है हार्ट डिजीज, उनको खास तौर पे अपना चेकअप कराना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया। और अगर रिस्क फैक्टर मौजूद हैं तो उनका इलाज जरूरी है। अगर वैसे 2-3 महीने गुजर गए कोरोना होके, कोई तकलीफ नहीं हुई, तो आपका रिस्क धीरे धीरे घटता चला जाता है। पर ये चीज नहीं कहा जा सकती कि आप कंप्लीटली रिस्क फ्री हो गए, पर आपको अपना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको अपनी रिहैबिलिटेशन बहुत ज्यादा विग्रेसली करनी पड़ती है, सैर करना शुरू करना है, आपने लंग की कैपेसिटी भी तो इम्प्रूव करनी है, आपका सांस ना फूले, आपके फेफड़े की ताकत बढ़े, वो भी सब प्राणायाम, योगा करने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, देन जैसे दूसरे वाले एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं या वॉकिंग होती है, वो सब चीज़ें जो है हमें 2 महीने के रिकवरी के बाद उसको शुरू करना चाहिए, ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, ताकि आगे जाके हार्ट डिजीज का होने का खतरा घटे। जी डॉक्टर, इसी पर मैं एक्चुअली में आना चाह रहा था कि अभी जिस तरह से कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, तो क्या लोगों को अभी कुछ ऐसा खान पान या कुछ ऐसा जीवन शैली अपनानी चाहिए कि मान लीजिए अगर कोरोना होता है तो हार्ट के ऊपर असर कम से कम आए या फिर ना आए? अभी लोग अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी तरफ से क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये आपने जो पूछा, और ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि एक्सरसाइज करने वाले आदमी जो रोज सैर करते हैं, उनको कोरोना को झेलना काफी आसान था, बनिस्पत इसके कि जिनका वजन ज्यादा है या पेट बढ़ा हुआ है या ओवरवेट क्या ओबिसिटी की तरफ है बिल्कुल, और कोई एक्सरसाइज नहीं करते, सिडेंटरी लाइफस्टाइल बिताते। सो अगर आप अभी अभी एक काल, एटलीस्ट दिल्ली में तो कोरोना का काफी कम हो गया, आदमी प्रार्थना यही कर रहा है हम मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग की बाकी देश के अंदर भी जल्दी से हटे ताकि सब लोग अच्छे हों, लेकिन इस टाइम पे 30 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उन सबको अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए एकदम जुट जाना चाहिए, यूथ खास तौर पे, लेकिन दूसरे वाले लोग भी जो हैं प्रॉपर सैर करें, अपने वेट का ध्यान दें, अपनी डाइट के बारे में एब्सोल्यूटली केयरफुल हो जाएं, क्योंकि अगला एपिसोड कोरोना का कब हो जाए अभी कुछ पता नहीं है। हम लोग इस कंफ्यूजन में ही हैं अभी कि थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी, और अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, हेल्दी खाना पाना रहेगा, तंबाकू छोड़ेंगे, सैर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपने वेट को नॉर्मल लेवल पे लेके आएंगे, तो कोरोना से बचेंगे ही बचेंगे। उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता बदकिस्मती से कोरोना हो भी जाता है तो उसका इम्पैक्ट झेलने की शक्ति बढ़ जाएगी, और इम्पैक्ट वैसे भी कम होगा, अगर एक लंग हेल्दी मिला कोरोना को तो उसको ज़्यादा डैमेज करने में ज़्यादा कठिनाई। जी डॉक्टर साहब, आजकल चूंकि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, एक सवाल लोगों का ये बहुत होता है, खासकर जो लोग दिल के मरीज हैं, क्या उनको कोरोना की वैक्सीन लगवाने से पहले या बाद में कुछ विशेष सावधानी बरतनी चाहिए या कुछ उनके लिए खास इंस्ट्रक्शन होते हैं डॉक्टर साहब वैक्सीन के लिए? देखिए, पहली चीज तो ये है कि कोरोना चला गया इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये फिर से नहीं आएगा, ये चीज किसी को नहीं भूलनी है। और प्रिवेंटिव बिहेवियर जो है,
यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जो 2 गज की दूरी है, या अपने चेहरे को बंद करना है। और चेहरे को बंद करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि नाक कवर होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, मास्क लगाते हैं, नाक के नीचे मुंह बंद करके रखते हैं अपना। कोरोना नाक के जरिए अंदर घुसता है, मुंह के जरिए नहीं घुसता, ये बात याद रखिए। पर आपने मास्क लगा लिया लेकिन नीचे करके नाक खोल दिया और मुंह पे लगा लिया, तो आपका इतना ही बड़ा रिस्क है जितना किसी ना मास्क पहने हुए बंदे का है। तो ये चीज जरूरी है कि डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहन के रखना है और अपनी हाइजीन मेंटेन रखनी है, अपने शरीर को साफ और स्वस्थ रखना है, हाथ धोने हैं, चेहरा धोना है, नहाना है, क्लीन करना है, ताकि सरफेस के ऊपर वायरस जो है ना बैठ सके। तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एब्सोल्युटली एसेंशियल होगा अगली वेव को रोकने के लिए। दूसरा, वैक्सीन लगवानी बहुत जरूरी है, और ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये वैक्सीन एक्स है या वैक्सीन वाई है, ये कितने परसेंट इफेक्टिव है। हम 100% एफिकेसी ढूंढ भी नहीं रहे। सबसे ज्यादा रिस्क किसको है, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल लोग हैं, एम्बुलेंस के लोग हैं, जो रोज मरीजों के साथ जूझते हैं, जो मिलते हैं और ये पता भी नहीं लगता कि पेशेंट जो आपके पास आया उसको अभी कोरोना है कि नहीं, क्योंकि वो जो है अभी प्रोड्रोमल फेज में होता है, अभी उसको सिम्टम नहीं आए होते लेकिन वायरस होती है तो आपके नजदीक आता है। तो उनके अंदर जो प्रोटेक्शन मिली है वो तो अब प्रूफ अवेलेबल है, अपने इंडिया से भी अवेलेबल है और बाहर से भी अवेलेबल है, कि अगर आपने दोनों डोजेज वैक्सीन की लगवा ली हैं और वैक्सीन लगाने के बाद समझ लीजिए कि 2-3 हफ्ते से ज्यादा टाइम गुजर चुका है सेकेंड डोज के बाद भी, तो आपको 80-90% चांस है कि आप प्रोटेक्टेड हैं और आपको वायरल डिजीज नहीं होगी। और अगर मान लीजिए हो भी गई तो माइल्ड डिजीज होगी, जिसको कि झेलने की जो है क्षमता आपकी काफी ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेयर टू ए नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन। तीसरा ये है कि आईसीयू में जो है जाने की जो क्रिटिकल डिजीज होती है वो 95% उसका चांस घट जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है कि माइल्ड डिजीज हुई तो आप घर पे ही ठीक हो जाओगे, और आजकल तो वो इंजेक्टेबल एंटीबॉडीज आ गई हैं जो कि आपको दे दिया और माइल्ड डिजीज के अंदर आपको हॉस्पिटल में पहुंचने की नौबत भी खत्म हो जाती है, तो काफी हद तक क्योर अवेलेबल हो जाएगा और 95% चांस है कि आप आईसीयू में भर्ती नहीं होंगे, और 98-99% चांस है कि अगर बदकिस्मती से आईसीयू में जाना भी पड़ गया तो भी डेथ नहीं होगी। तो ये चीज वैक्सीन का जो फायदा है वो हमें उठाना ही उठाना है। और मान लीजिए वैक्सीन लग गई है तो जैसे मैंने बताया कि आपको सिर्फ 80-90% प्रोटेक्शन मिलेगी, 10-15% चांस फिर भी होता है कि कोई ना कोई वायरस जो है वैक्सीन से टक्कर ले लेगी, और ये तो लड़ाई की बात है, एक पर्टिकुलर दिन में कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग होती है वो मैच जीत जाती है। इसी तरह वायरस और शरीर की लड़ाई है, और आपको कितना वायरस का डोज अंदर घुस गया, कितनी लोड मिल गई, और आपकी अपनी एंटीबॉडी वैक्सीन के अलावा आपके शरीर में कितनी ताकत है उस चीज से लड़ने की, उस पे बहुत डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए आपको ये बच के रहना है, क्योंकि ये 100% प्रोटेक्शन कोई वायरस नहीं देती दुनिया में किसी भी बीमारी में। और अगर आप अपना अपने आप को बचा के रखेंगे, प्रिकॉशंस लेंगे जिसका कि हम रिपीटेडली जिक्र कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी इस महामारी के ऊपर विजय पाई जा सकती है। जी सर, एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जिन लोगों को दिल की बीमारी है या जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको वैक्सीन लगवाने से पहले कुछ खास बातों को ध्यान रखना है या उनके लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं क्या? 99% लोगों को कोई ऐसा वैक्सीन लगवाने से कोई दिक्कत नहीं होती है, और जिनको नॉर्मल जैसे हार्ट की बीमारी है, और नॉर्मली हम तो हार्ट की बीमारी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज के ही नाम से जानते हैं, ज्यादातर लोग एंजियोप्लास्टी स्टेंट बाईपास ही जानते हैं, हालांकि हार्ट में 50 और बीमारियां होती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो सिंपल एस्पिरिन खा रहे हैं, इकोस्प्रिन या एस्पिरिन, इस तरह की कोई भी जो एस्पिरिन होती है, ब्लड थिनर होती है, और साथ में हार्ट की दवाइयां खा रहे हैं और डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, कुछ भी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई एस्पिरिन बंद करने की जरूरत होती है इसके वैक्सीन लगवाने से पहले। सिर्फ वो लोग जिनको कि रिसेंट हार्ट अटैक हुआ है और वो 2 ब्लड थिनर खा रहे होते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी में, या बाईपास हुआ है, या कई लोग ऐसे हैं जिनको वाल्व की डिजीज है,
या हार्ट की बीटिंग इरेगुलर है तो उसकी वजह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर खा रहे हैं, जिनका खून परपेचुअली डॉक्टर लोग ही पतला करके रखते हैं, उनको थोड़ी प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है। और सिंपल दो ब्लड थिनर खाने स्टेंट के बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से जाकर के वैक्सीन लगवा लेते हैं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जिस साइट पे इंजेक्शन लगे, और मैं अपने बाजू पे आपको करके दिखाने वाला हूँ कि ये बाएं कंधे के नीचे यूजली वैक्सीन लगाई जाती है, तो जहाँ पे सुई लगती है वहां पे नॉर्मली जो आपके नर्सिंग स्टाफ हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो आपको एक छोटी सी कॉटन की स्वाब दे देते हैं कि इसको आप दबा लीजिए थोड़ी देर तक। नॉर्मल आदमी को हम 5 मिनट दबाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो आदमी ब्लड थिनर पे है वो उसको 15 से लेकर 20 मिनट तक दबा के, ऑब्जर्वेशन पीरियड में वैसे भी इतनी देर बैठना ही होता है आपको, तो उसको दबा के रखें और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट चीज उन लोगों के लिए है जो ज्यादा स्ट्रांग वाले ब्लड थिनर खा रहे होते हैं, जैसे कि वैल डिजीज है, जिन लोगों को वारफरीन टाइप के ब्लड थिनर्स होते हैं, वारफरीन है, एसीट्रोम है खासतौर पे जो कॉमन चीज है, या इरेगुलर हार्ट बीटिंग वाले जो पेशेंट्स हैं वो डेविगाट्रान या इडोक्साबान या इस तरह की जो एपिक्साबान कई दवाइयां हैं जो कि वो खा रहे होते हैं ब्लड थिनर्स, उनको जो है जो वैल वाले पेशेंट्स हैं अपना आई एन आर चेक करवाना चाहिए, और 2 के आसपास अगर आई एन आर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन लगवा सकते हैं जाके, नहीं तो एक डोज एक दिन शाम को पहले वो उसकी ओमिट कर दें और सवेरे आके वैक्सीन लगवा लें, उसके बाद 20 मिनट तक दबा के रखें। तो नॉर्मली हम एसीट्रोम को शाम को देते हैं, उसको उस दिन सुबह खा लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह से जो ब्लड थिनर की उनको सुबह की डोज ओमिट करनी है, सुबह वैक्सीन लगवानी है जल्दी और ये दबा के रखना है और 2 घंटे के बाद अपनी नॉर्मल डोज खा लें तो कोई दिक्कत नहीं। साहब आपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की, और अभी हम लोग देख रहे हैं लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं कि कई जगहों पर भीड़ भाड़ जुटने लगी है, फिर से लोग खासकर टूरिस्ट प्लेस पर बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, ये जो बिहेवियर है डॉक्टर साहब ये कितना खतरनाक होता है, आप क्या सलाह देंगे लोगों? हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जहां पे भी क्राउडिंग होगी, चाहे वो मेला हो, चाहे वो कोई मार्केट हो, चाहे वो हिल स्टेशन हो, और लोग क्या है कि इतने दिन से तंग हो रहे थे घर पे बैठे हुए, जैसे ही शॉपिंग खुली मॉल में चले गए, या हिल स्टेशन की तस्वीरें जो पर्टिकुलरली डिस्टर्बिंग हैं, या पब्लिक की गैदरिंग्स किसी भी किस्म की हैं, मैरिज की हैं, दूसरी हैं, लार्ज गैदरिंग्स हैं किसी भी वजह से, उसमें लोग एक्साइटमेंट में एक दूसरे को मिलने में ये भूल जाते हैं कि हमें दूरी बनानी है, मास्क हटा देते हैं। जहां क्राउडिंग हुई, आप एक दूसरे के नजदीक आए, वहां मास्क लगा हुआ भी है तब भी क्या है कि पूरा 100% वो लीक प्रूफ तो कोई भी चीज नहीं होती है, साइड से निकल जाती है, और अगर उतार दिया मास्क तो फिर ये सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाते हैं, इससे बहुत लोगों को वायरस मिल जाती है, और फिर एक बंदे को अगर लग गई तो वो 8 या से लेकर के 20 बंदों को आगे ट्रांसमिट करता है, तो 1 से 20, 20 से 400, 400 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने, तो इस तरह से ये बढ़ते हैं। तो ये चीज अवॉइड करनी बड़ी जरूरी है। आप दिल में लोगों के साथ रिलेशनशिप रखिए, बिल्कुल टच करके रिलेशनशिप को जाहिर ना करिए इस वक्त तो अच्छा रहेगा, दूर रहिए, मास्क पहन के रहिए, और भीड़ ना क्रिएट करें, एकत्रित ना हो, भीड़ को बनाए नहीं, झुंड ना बनाए, तो आप बचे रहेंगे। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए ये समय निकालने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार का पालन करते रहिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए और देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार, थैंक यू।